जे सुख चावे जीव को नर चार चीज ने टाल चोरी जुओ जामनी तो और पराई ना। कभी ने बताया है रे इंसान इस संसार सागर में अगर तू सही सलामत जीनो चाहो तो चार चीजों से दूर रहे। जे सुख चावे जीव को नर चार चीज ने टाल चोरी जुओ जामनी और पराई ना। ए काई काई नुकसान करावे चोरी कैद कराई दे और जुओ दे हरवाई घर बिकवा दे जामनी या सर कटवा दे ना। कि चोरी कैद कराए दे आदमी चोरी वालों धंधो करे वो भी माड़ो है पुलिस वाला पकड़ जेल के मायने टेक दे तो टाबर भूखा मरी। चोरी कैद कराए दे जुओ दे हरवाई और घर बिकवा दे जामनी या सर कटवा दे ना। लेकिन दूसरों का भी बता रहे हैं ए चार चीज जत्ती माड़ी है बत्ती फायदो भी करे। क्या चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। कि चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो अगर पुलिस वो काम तड़का सुइया बंद कर दे भाई चोरा न मत पकड़ो जना चोर तो रातियों रात ही करोड़पति हो जाए। कि चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो और जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। भाइयों जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो तिरिया जैसा साथ नहीं बदकार ना हो तो। बताया लुगाई को साथ इंसान का पूरा जीवन तक रिया करे हैं लेकिन बा लुगाई कुर्सी होवे एक मिनट घर में वो आवे कि डूबेड़ा करने तिरा दे अरे एक मिनट यहाँ को आ जाए कि जचेड़ा करने पाछो माटी में मिला दे। इलिए बताए चोरी जैसा माल नहीं सरकार ना हो तो जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो भाइयों जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो और तिरिया जैसा साथ नहीं बदकार ना हो तो। प्रेमी सजनों चारों प्रश्न का जवाब मैं बता रही हूँ और ध्यान से सुनोगा तो आनंद आओगे ना तो यह समझ लो कि कई करोड़ों रुपए की चीज को नाश हो जाओगे। तो बताया चारों प्रश्न बता रही हूँ बोला सत्य नाम ईश्वर का सजनो बोला सत्य नाम ईश्वर का सजनो पार ब्रह्म कहलाते हैं हरि की महिमा आगे सजनो सब शीश झुकाते हैं हरि की महिमा आगे सजनो सब शीश झुकाते हैं वो सत्य नाम ईश्वर का सजनो पार ब्रह्म कहलाते हैं सब नर शीश झुकाते हैं भाई सब नर शीश झुकाते हैं हरि महिमा आगे सजनो सब नर शीश झुकाते हैं। हाँ जी तो अपना भारत देश में कौन सी बरात ही जिकी में बींद को नहीं खाली बराती गया थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है। बोला दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी मीठा मीठा बोला दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गए रक्षा कीनी विश्वामित्र की सीता स्वयंवर देखन गए रक्षा कीनी विश्वामित्र
धनुष के आगे हार गए, गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो टूक किए। गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो टूक किए। बोला दशरथ जी तो, बोला दशरथ जी तो अवधपुरी से प्रात संजा कर लाते हैं। बरात देखी बींद को ना, हां जी बकुल सी बराती बताऊं, बताओ ओ वजन है अर्थावणी। हां पहले गाऊंगा और भी के बाद बताऊंगा कि कहां काई होयो। सही है। दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ गए, रक्षा कीनी विश्वामित्र की सीता स्वयंवर देखन गए। रावण बाणासुर से योद्धा धनुष के आगे हार गए और गुरु की आज्ञा पाके प्रभु ने धनुष के दो। दशरथ जी तो अवधपुरी से ब्रात संजा कर लाते हैं। हरि की महिमा आगे सुनो सब नरसीस। मुनि विश्वामित्र जी और जद भी अपनी धरती माता पर यज्ञ करता तो राक्षस लोग बांको यज्ञ पूरो को नहीं होवा देता, क्योंकि राक्षसों को तो काम ही होयो। हां तो मुनि विश्वामित्र मन में विचार करे कि हे भगवान, थारे बिना आदुष्टों को नाश कोनी होवे। बी टाइम भगवान का अवतार अयोध्या जी का मायने राम जी का रूप हो जाए। हाँ। तो मुनि विश्वामित्र अयोध्या में आवे और मुनि राज ने कहे कि हे राजन, थोड़ा दिन के लिए तेरा जगह टाबर है राम लक्ष्मण मनु उधारा दे दे। और पटेल ने बीस जमाना में इस जमाने में देख कत्तो फर्क आ गया, आपका टाबर और गुरुदेव ने उधारा ही दे दिया। हाँ। भगवान श्री राम गुरुदेव को पूरा यज्ञ पूरा करावे हैं और पूरा राक्षसना समाप्त कर दे। मुनि विश्वामित्र के रहे भगवान, अब थारी इच्छा वे तो मैं घरान का लेऊं और थारी इच्छा वे तो मेरी सागे चालो राजा जनक के दरबार में, बड़े सीता जी को स्वयंवर है। तो भगवान श्री राम और जनकपुरी में आ जाए हैं। जनकपुरी के मायने जनक जी महाराज के ने एक शंकर भगवान को शिव धनुष भी को वितरण कर रखा। कोई भी राजकुमार ई धनुष की प्रतंचा मतलब डोरी चढ़ा देगो बी के साथ में सीता को ब्याह कर दूंगा। बड़ा बड़ा वीर बलवान भी धनुष का आगे नमस्कार कर घर चले जाए ही। तो भगवान श्री राम खुद खड़ा हुए हैं और भी धनुष ने उठावे और डोरी चढ़ावा लगे ना धनुष का दो टूक करते हैं। और सीता जी तो वरमाला गाल दी। अब जनक जी महाराज सभा के बीच में हाथ जोड़ बोलिया कि मेरो प्रण तो पूरो हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरे घर न बरात आऊं तो चार चांद लगे। तो राजा दशरथ जी ने एक समाचार भेजे की थारा लड़का की शादी है, फटाफट बरात ले आओ। अब बेटा को ब्याह मन जाए जना मते घुगरा बंदे। हां फटाफट रथंग मायने आदि बिठाया और जनकपुरी का मायने बरात ले गया। भी बरात का मायने बींद को जो भगवान पहले ही आगे ही चला गया जा बा राम जी की बराती जी की में बींद। सही है के साहब, सही है। दूसरा प्रश्न पूछो। हां अच्छा चलो एक प्रश्न तो मिल गो। हां और दूसरा प्रश्न है कि अग्नि देखी, अग्नि देखी ताव को नहीं, ताव को नहीं। हां जी लो सुन। बोला हिरणा कुस पहला दी भगत को, बोला हिरणा कुस पहला दी भगत को नष्ट करने को तैयार हुए। पर्वत पर से फेंका भगत को प्रभु ने अपने हाथ लिए। पर्वत पर से फेंका भगत अग्नि से स्नान किए। प्रहलाद भगत बच गया अग्नि से, वो
होली को जड़ा करी राख किए और प्रेमी सजनों फिर क्या हुआ, एक खंभ गरम करवाया राजा ने, एक खंभ गरम करवाया राजा ने, कीड़ी चलती दिखलाते हैं भूंगड़ो। अब चिपू कौन चिपू खंबा के मन में विचार कर,
अब परमात्मा मन में विचार करो अपना भगत प्रहलाद को धीरज मगर इन कोई ना कोई चमत्कार दिखानो तो भी टाइम भगवान के करे वे के करे भी ताता खंबा पर और बाले और ती कीड़ियां को नाल चाल तो दिखाओ। अब प्रहलाद मन में विचार करो रे भगवान जद कीड़ी कौन बन रही जना ई पीछे से किला का बजन को के बेलो को जार 1300 ने भी खंबा गया बात गाली बाली मको को नहीं हुई। अच्छा बाल ललाई खाली दिखाओ की जी भी अग्नि के मायने ताव कौन सही है की मायता जीतगा। अभी तक दो प्रश्न हो रहे हैं दो रहेगा हाँ बरसात बरसी हाँ मेरा तीसरा प्रश्न है कि बरसात बरसी लेकिन कादो को नहीं हो पटेलन मने एक बात बता हाँ एक गिलास डोल दिया कादो को नहीं होगे कदा बरसात बरसी बा भी पूरी 4 घंटा मतलब सवा पैर तक बरसियो लेकिन कादो को नहीं हां लेकिन इसका भी आई खोलड़ा बताएगा बताओ दी घड़ी बोला नरसी भगत सी नानी बाई का अंजार नगर में ब्याह किया निर्धन हो गए नरसी भगत जब हरी नंदिनी का ब्याह हुआ निर्धन हो गए और व्याकुल होकर नानी बाई ने बोलिया व्याकुल होकर नानी बाई ने श्याम प्रभु को याद किया अपने भगत की लाज बचाने रूप से दिखा लिया और प्रेमी सजनों फिर क्या हुआ बोला कंचन में कंचन नाम है सोना को कंचन में बरसाया प्रभु ने कीच नहीं दिखलाते हैं अरे जी महिमा आगे सजनों नरसिंह जी महाराज बहुत ही धर्मात्मा आदमी है धर्मात्मा हाँ मतलब नरसिंह जी महाराज के एक लड़की ही नानी बाई जब नरसिंह जी महाराज भी नानी बाई को ब्याह कर रहे भी टाइम मांगन दौलत कती ही 56 करोड़ सपनों तो आए होंगे कभी पड़े हैं छप्पन करोड़ जी कौन होएगा वो लक्ष्मी मित्तल को फूंपो है सही बात 56 करोड़ की दौलत एक ली बेटी धूमधाम से ब्याह करे हो। अच्छा अब फिर मन में विचार करते हैं भगवान ही 56 करोड़ की दौलत को मन के लेनो देनो है सही मैं तो खाली थारो नाम ले शु तो भी दौलत को बताऊं क्या करे हो के करे हो मन को अंधी हो जमा कर दिया ना तो जगह जगह पर धर्मशाला अच्छा प्याऊ गौशाला मंदिर सड़क अया बना दिया और आप बिल्कुल कंगाल हो गए दुनिया की नजर में नरसी कंगाल हो गया लेकिन भगवान की नजर में वो माला माल हो गया। आप बिल्कुल यहाँ फकीरी ले ली भगवान को नाम चालू कर दियो। अब नानी बाई का एक लड़की होगा हरी नंदनी नानी बाई भी को ब्याह मांड दियो अब ब्याह तो मांड दियो और फिर रोबा ला दी क्यों बामन में विचार करी है भगवान मेरा बाप तो एक रिपे भी बोला अब मेरा बात की चुनरी भी नहीं आई तो बरोबर का मेरी तो नाक कट जाएगी रोबा लागी तो परमात्मा कौन कृष्ण भगवान वो मन में विचार करियो है कि आपनो भगत नरसी आपना पर 56 करोड़ लुटाया आज भी की लाज जारी है क्यों मायरो तो भी नहीं भरना पड़ेगा जना खुद कृष्ण भगवान एक सेठ को रूप बनायो जसो आपा केवला का सांवरो सेठ
सेठ गुरु बनाए 56 करोड़ साग ले लिया और नानी बाई का घरान चले गो और डागला पर चढ़ गया भगवान और पूरी 4 घंटा तक आंख तो मीच ली और सोना का सिक्का किया बरसात कर वाला होगा। अब एक बात बता, जड़े सोना का सिक्का बरसे बड़े कादो बगे वो तो सूखा में सही बात बाबर सांत बरसी कहां का तो मुंड फूट गा बड़े अच्छा और सिक्का की लाग लाग अच्छा बाबर सांत बरसी जी की में कादो सही है ये 1300 आरू गोने में दरी अब काला आरसियो अब काला क्या आरसा बता एक बात बताओ अगर 5 आदमी जठे बैठ जाई बटे फैसलो हो जाई होवे लेकिन यान की सबाही बटे फैसलो को नहीं हो वो तेरा चौथा प्रश्न है। हां जी की सभा बैठी भी मैं नाई कौन सो अजी नाई नहीं न्याय को नहीं हो मतलब फैसलो को नहीं हो अच्छा फैसलो कौन सो न्याय कौन सो तो देखो एक को जवाब भी है मेरे को अच्छा बकुलसी सभाई जी की न्याय कौन सो बताओ कहानी बोले पांचो रे पांडव द्रुप सुता को बोले पांचो पांडव द्रुप सुता को जुए में जब हार गए मौका पाके दुष्ट दुशासन नगन करने को तैयार हुए सभा राजा की बेटी जब दुशासन द्रौपदी को चीर हरण कर रहे हो तो भी सभा का मायने कुण कुण बैठा द्रोणाचार्य कृपाचार्य विषम पितामह यशोत्थामा कर्ण जिया का वीर बैठा लेकिन कोई भी द्रौपदी की लाज कौन बचाई बोले भरी सभा राजा की बेटी सोच सोच पछताई रहे न्याय न हुआ उस अबला का धनी में शीश झुकाई रहे ये भगत कहे भगवान से ये भगत कहे भगवान से वो न्याय नहीं कर पाते हैं हरि की महिमा आगे सजनों सब शीश झुकाते हैं बताया है प्रेमी सजनों भर सकता घाव तलवार का लेकिन ये बोली का घाव कदई को न्या 5 किला की तलवार की चाहे हाथ पर देख रो दशेक दिन कमाए नहीं बिको घाव ठीक हो जाओ लेकिन अब 50 ग्राम की जीव अब कदे कदे ये की बात काट दे जो कदे 7 जन्मता है बिको तीर को घाव पर मिटे सही बात तो दुशासन मन में विचार करो द्रौपदी ई बोली को बदलो तेरे के एक दिन जरूर
और जंदा द्रौपदी ने जुआ में जीती और केस पकड़ सभा के बीच में, और द्रौपदी ने कहा लगे द्रौपदी अब तेरो चीर हरण करांगा, क्योंकि तेरो खुद को बताए है कि इस सभा का मैंने आंधा का तो आंधा ही जन्म है। अब द्रौपदी को चीर हरण करवा लागो भी टाइम भी सभा का मैंने द्रोणाचार्य कृपाचार्य विषम पितामह यशोत्थामा भीम जी का बड़ा बड़ा मेरी जी का शरीर आला बैठा। अच्छा, लेकिन जंदड़ा की कौन चली सब माटी गुजरवा के लाग रहा, आखिरी भी परमात्मा ने आनो प्रयो द्रौपदी की लाज बचानी बस सभा ही जी की न्याय सही है।